और दुर्ग में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी ने जॉन ऑफिस का घेराव किया, पानी की समस्या के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर किया गया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी की तस्वीर भी सामने आई। निगम दफ्तर के बाहर मटके फोड़े गए। पानी की मांग को लेकर, पानी की समस्या के चलते ये प्रदर्शन किया गया। तो दुर्ग में बीजेपी ने जोन ऑफिस के बाहर घेराव किया। बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन दुर्ग में देखने को मिला। पानी की मांग को लेकर, पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। मटके फोड़े गए निगम दफ्तर के बाहर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा। जोरदार प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला दुर्ग में नगर निगम दफ्तर के बाहर। तो बीजेपी ने जोन कार्यालय का घेराव किया और पानी की समस्या को दूर करने की मांग की। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। पानी की किल्लत के चलते आम जनता परेशान है और ऐसे में निगम दफ्तर के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी की तस्वीर भी सामने आई। निगम दफ्तर के बाहर खाली मटके फोड़े गए। पानी की मांग को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। पानी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, निगम दफ्तर के बाहर ये मटके फोड़े गए। चलेंगे दुर्ग, बात करेंगे यशवंत साहू से। यशवंत, प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या कुछ अपडेट प्रदर्शन को लेकर, किस तरह की मांग और आश्वासन? जी बिल्कुल, प्रदर्शन 2 घंटे तक चला। खुर्सी पार के लोग थे जो प्रदर्शन करने आए थे, वार्ड नंबर 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड के लोग थे और इनके साथ में जो वहां के वार्ड के पार्षद है, भाजपा के पार्षद जो है दया सिंह, वो लेकर आए थे। और इनका कहना है कि लगातार पिछले 2-3 महीनों से जो पूरा गर्मी का सीजन है, इस गर्मी के सीजन में इनको पीने के लिए ढंग से पानी नहीं मिला, तो नहाने का पानी भी नहीं है। तो ऐसे में आज जो लोग आए थे इनके साथ में, वो जो लोग वहां पे निगम दफ्तर पहुंचे, जोन ऑफिस पहुंचे, उस जोन ऑफिस में बैठकर वो नहाए। नहाने के दौरान महिलाएं जो थी वहां पे कपड़ा भी धोकर आई, क्योंकि 15 दिन से वो महिलाएं जो है उनका कहना था कि हमने कपड़ा नहीं धोए हैं, तो वो महिलाएं उसी जोन ऑफिस में बैठकर कपड़ा धोए और लड़के जो थे वहां पे वो नहा कर निकले वहां से। तो दया सिंह का कहना है कि अगर अभी 1 हफ्ते के अंदर में समस्याओं का समाधान नहीं होता, पानी की समस्या का समाधान नहीं होता, तो वो मुख्य निगम कार्यालय आएंगे और सारे अधिकारियों के सामने नहाएंगे और जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यशवंत साहू खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।